शुक्रवार को वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले गए वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के कप्तान यॉन मॉर्गल और सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय को चोट लग गई है और आने वाले 24 से 48 घंटे काफी अहम हैं। मॉर्गन ने बताया कि उनके पीठ में समस्या है जबकि जेसन के मसल्स में खिंचाव आया है और उन्होंने ये भी बताया कि जेसन को स्कैनिंग के लिए भी भेज दिया गया है। आपको बता दें इंग्लैंड को वर्ल्ड कप के दावेदारों में देखा जा रहा है लेकिन कप्तान और सलामी बल्लेबाज के फिट नहीं होने की वजह से इंग्लैंड की परेशानी बढ़ सकती है। मॉर्गन और रॉय दोनों ही वेस्टइंडीज की पारी के दौरान चोटों के कारण मैदान छोड़ के गए थे। जेसन 8वें ओवर में ही मैदान से बाहर चले गए जबकि मॉर्गन ने 40वें ओवर में मैदान छोड़ा। हालांकि इस मैच में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 8 ओवर से हरा दिया था। आपको बता दें इंग्लैंड को अपना अगला मैच 18 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ मैनचेस्टर में खेलना है।